नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक में जो फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था 16 मई 2022 को, उसमें से फार्मासिस्ट का ज्वाइनिंग के रिलेटेड क्या है लेटेस्ट अपडेट, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिलेटेड अपडेट है मोहल्ला क्लिनिक के द्वारा, जिसमें हम देखेंगे कि कौन से रैंक तक के फार्मासिस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। 29 अगस्त 2024 को कुछ कैंडिडेट का यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। हम देखेंगे कि कौन से रैंक तक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। तो जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो कैंडिडेट हैविंग 201 से 250 दिन का रैंक है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 29 अगस्त 2024 को हो गया है। मेरिट लिस्ट बना था इसमें, जिसमें से लगभग 200 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जून 2024 में हो गया था। अब जो नया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट निकला था 29 अगस्त 2024 को, जिसमें रैंक 201 से लेकर 250 वाले का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हम एक बार देख लेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं और कहाँ ले जाने हैं। तो इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो थर्ड फ्लोर पंडित दीपचंद शर्मा सहकार भवन सेक्टर 20 द्वारका न्यू दिल्ली, पिन कोड है 110077, मेट्रो स्टेशन नियर बाय है सेक्टर 8 द्वारका। 29 अगस्त 2024 को इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है 10:30 बजे सुबह में। आपको डॉक्यूमेंट में अपना सारा कुछ ले जाना है ओरिजिनल फॉर्म में, और उसके फोटो कॉपी, जिसमें रिसेंट फोटो कॉपी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, 10th का मार्कशीट, अपना DPC का रजिस्ट्रेशन, अपना डिप्लोमा का मार्कशीट, देन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसके साथ ही मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या गवर्नमेंट डिस्पेंसरी से होना चाहिए, जिसपे मेडिकल ऑफिसर या चीफ मेडिकल ऑफिसर का साइन होना ज़रूरी है। देन आपका कैंसिल चेक या फिर पासबुक का फोटोकॉपी और पैन कार्ड का फोटोकॉपी और आधार कार्ड का फोटोकॉपी ले जाना ज़रूरी है। एक चीज़ आपको बता दूं कि जो भी कैंडिडेट मोहल्ला क्लिनिक में पास हुए हैं, अभी जो कैंडिडेट लगभग हम बात करेंगे 201 रैंक से 250 रैंक तक, जिन्होंने पहले चांस में यानी 29 अगस्त 2024 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए, उनको एक और चांस मिलेगा। अगर उस चांस में भी आप नहीं जाते हैं तो आपका नाम जो है वो हटा दिया जाएगा। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं, इच कैंडिडेट विल बी गिवेन ओनली 2 चांस टू ऑप्ट एंड इम्पैनल्ड इन AAMC, यानी आपको 2 चांस मिलेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, वो आपको ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा। कैंडिडेट जिसका 201 रैंक से 220 रैंक तक था, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 22 जुलाई 2024 को हुआ था, उनको इस बार फिर से एक बार, जो भी कैंडिडेट उस बार एबसेंट थे उनको एक बार फिर से इस बार चांस दिया गया 29 अगस्त 2024 को। अगर इसमें भी अगर वो एब्सेंट रहे तो उनका जो है उसके बाद चांसेस नहीं दिया जाएगा मोहल्ला क्लिनिक में ज्वाइन करने का। अब हम देख लेते हैं एक बार लिस्ट, जो कि कौन कौन से कैंडिडेट को यहां पर मिला है जगह। तो 16/5/2022 को यहां पर एग्ज़ाम हुआ था मोहल्ला क्लिनिक का दिल्ली में, जहाँ पर देखेंगे 201 रैंक में जो है मिस्टर निपुण यादव, 202 रैंक में मिस्टर सलमान अहमद, 203 सद्दाम हुसैन, 205 मिस्टर सोनू, 206 मिस्टर विनय कुमार, इसी तरह से लगभग 220 रैंक में मिस्टर दीपक कुमार, 221 मिस्टर ज्योति रानी, इसी तरह से लगभग यहाँ देखेंगे हम कि 201 रैंक से लेकर 250 जिनका रैंक है उनको इस बार फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का चांसेस मिला है मोहल्ला क्लिनिक में, जिसमें से लगभग जहां तक मुझे पता चला है कि टोटल 25 to 30 लगभग 25 से 30 कैंडिडेट इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए थे द्वारका में। उनको ये बताया गया है कि अभी लगभग विद इन अ वीक या 10 या 15 दिन के अंदर आपको ज्वाइनिंग लेटर के लिए एक बार कॉल आएगा, फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको दिखाया जाएगा कि आपके इस एरिया में फार्मासिस्ट का वैकेंसी है मोहल्ला क्लिनिक में, आप यहां ज्वाइन कर सकते हो। तो ये था लेटेस्ट अपडेट, 201 रैंक से लेकर 250 रैंक तक मोहल्ला क्लिनिक में जो फार्मासिस्ट का सिलेक्शन हुआ था उनके ज्वाइनिंग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आ गया था 29 अगस्त 2024 का। जो इसके बाद के रैंक वाले हैं, जो 250 से बाद के रैंक वाले हैं, उनका भी नंबर जहाँ तक लगता है ये सितंबर एंड में या फिर अक्टूबर एंड में आ जाएगा, या फिर
जो मार्च 2025 में दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं उससे पहले आपका जो पोस्टिंग है वो मोहल्ला क्लिनिक में हो जाएगा। एक चीज लेकिन कंसर्न होना फार्मासिस्ट का जरूरी है कि जो मोहल्ला क्लिनिक में है वो पेशेंट के बेसिस पे 75 पेशेंट के बेसिस पे आपको सैलरी मिलती है। अगर उससे ऊपर पेशेंट होते हैं तो पर पेशेंट 12 रुपये पर पेशेंट मिलता है। तो कहीं ना कहीं फार्मासिस्ट को ये जागना चाहिए कि एक फिक्स सैलरी होना चाहिए फार्मासिस्ट को, ठीक है। जो दिल्ली गवर्नमेंट का बेसिक सैलरी है वो होना ही चाहिए, क्योंकि आप जो आए हैं वो मोहल्ला क्लिनिक में एग्ज़ाम पास करके आए हैं, ऐसे ही नहीं आ गए हैं, आप एग्ज़ाम पास करके आए हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो है वो एक फिक्स सैलरी होना चाहिए ताकि जो एफिकेसी ऑफ वर्क है वो इम्प्रूव हो सके मोहल्ला क्लिनिक में। थैंक यू दोस्तों, इसी तरह के फार्मेसी रिलेटेड अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज से जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी मोहल्ला क्लिनिक के आपके कैंडिडेट हैं, दोस्त हैं, जिन्होंने इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भाग नहीं लिया है उनके बीच ये ज़रूर शेयर करें। जिनका रैंक 201 से 250 के बीच में है उनका पहला चांस तो जा चुका है, लेकिन ये वीडियो उनको ज़रूर दिखाएं कि आपके पास अब बस एक चांसेस बचा है, अपना सारा डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। डॉक्यूमेंट तैयार करने में वहाँ दिक्कत आती है कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन कराना होता है, वो मैंडेटरी होता है, और दूसरा है कि आपको जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवानी होती है किसी भी मेडिकल हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। ये सब चीज़ें आप अपना तैयार रखें और जब भी आप 250 से 300 के बीच रैंक का आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आपको भी चांसेस मिलेंगे, वहाँ पर आप जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। थैंक यू दोस्तों।